कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है। जैसा कि अभी श्रावण चल रहा है तो श्रावण महीने में बहुत से लोग पूरा पूरा महीना नॉनवेज नहीं खाते और कुछ कुछ लोग सोमवार पालते हैं, तो उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी सोमवार को कांदा लहसुन नॉनवेज कुछ भी नहीं, तो मैं आज बिना कांदा लहसुन का खाना बनाने वाली हूँ और मैं जो भी कुछ बनाऊँगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चल बनाने वाली हूँ ये सफेद वाला बटाना और चने, ये दोनों का मिला के एक सब्जी बनाऊंगी। इधर पनीर रखा है, पनीर का सब्जी बनाएंगे और राइस बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। देखते हैं मीठे में भी क्या है वो भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको बॉईल करने को रख देंगे, कुछ नहीं सिर्फ नमक और नमक डाल के सबसे पहले इसको बॉईल करने को चला देते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं डाला, जस्ट नमक डाला है और आलू भी मैंने इसमें डाल दिया। अभी नमक डालेंगे, डाला नहीं है, तो नमक डाल के सबसे पहले इसको सीटी पे रख देंगे, दो सीटी लगा देंगे। तो गैस पे चढ़ा देते हैं, इसको होने देते हैं दो सीटी पे और ये जब तक ठंडा होगा तब मैं मसाला रेडी कर लूँगी। तो इसको पहले सबसे पहले गैस पे दो सीटी लगा दी। इधर बॉयल हो रहा है, मैंने मसाला रेडी कर लिया। इधर अदरक है, हरी मिर्ची है और टमाटर है। तो ये मैंने तीनों पेस्ट बना लूँगी और सबसे पहले तीनों पेस्ट इसलिए क्योंकि मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। दोनों जो सब्जी बनाएंगे दोनों का मसाला एक साथ बना लेंगे, तो सबसे पहले इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये जब गाइस मसाला मैंने पीस लिया, इधर कढ़ाई चढ़ा दिया। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे तेल। सबसे पहले वटाना और चने और आलू का सब्जी बना लूँगी मैं, तो इसमें तेल डाल दिया। प्याज कांदा लहसुन तो भाजने जैसा कुछ नहीं है, तो वो हिसाब से तेल ऐड किया, ज़्यादा तेल लगेगा नहीं। तो इसमें अभी डाल देंगे थोड़ा सा हींग, ये ऑप्शन है, आप चाहिए तो पसंद है तो डालिए, नहीं चाहिए तो मत डालिए। अभी इसमें डाल देंगे एक चम्मच भर के अखा जीरा। जीरा अच्छे से फ्राई हो गया, अभी जो पेस्ट बनाया ये दो चम्मच जितना ये डाल देंगे। तो अदरक और हरी मिर्ची और टमाटर, इसका अच्छे से पेस्ट बना के इसको पहले तेल में थोड़ा सा भाज लेंगे। और हरी मिर्ची है तो वही हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर आप अपने सब्जी के क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिए। मैं आप अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ मिर्ची पाउडर। इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से भाज लेंगे। मसाला अच्छे से तेल छोड़ रहा है। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, तो मसाला जल जाएगा और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया। दो सीटी में देखिए चने भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया, वटाने भी। तो अभी इसमें मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने हाई किया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट इसको होने देते, इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा पानी है, गरम कर लिया मैंने, पानी ऐड कर दिया। इसको होने देते, पनीर को मैं काट के रेडी कर लूँ। सब्जी इधर एकदम रेडी हो गया, अभी इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा ग्रेवी जैसे बनाएंगे, ये आलू है ना तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और ये जो जूस है मगर ये ग्रेवी थोड़ा कम हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे। इधर मैंने राइस चढ़ा दिया, सब दिखाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे। निकाल के फिर पनीर का सब्जी रेडी कर लेंगे।
तो अब इसको कढ़ाई में से उतार लेते हैं और पनीर के लिए रेडी कर लेते हैं। तो मैंने तवा चढ़ा दिया, ऐसे बड़े बड़े पीसेस करके मैं फ्राई कर लूँगी, बाद में काट लूँगी। दोनों तरफ से सिर्फ लाल होना चाहिए, वो हिसाब से गैस को मैंने हाई रखा क्योंकि पानी पनीर में पानी छूटता है। अब इसको निकाल लेंगे, हो गया, इससे ज्यादा लाल नहीं करेंगे। और दूसरी साइड में कढ़ाई चढ़ा देंगे, बहुत जल्दी बन जाता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। और इसके छोटे छोटे पीसेस करके काट देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गया, 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि कांदा लहसुन कुछ नहीं है भाजने जैसा, वो हिसाब से इसमें सिर्फ 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा को अच्छे से लाल होने देते हैं, अच्छे से लाल हो गया। अब इसमें डाल देंगे हल्दी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं क्योंकि एकदम भड़क भड़क कलर नहीं चाहिए। और इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पेस्ट बनाया है तो ज्यादा तीखा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। इसको अच्छे से तेल में हो गया। अब इसमें 1 से 2 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट हो गया। अब इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, ये मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तेल अच्छे से ऊपर आ रहा है, अब लोगों को दिखा होगा, ये देखिए मसाला अच्छे से भुना हो गया। अभी इसमें पनीर मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस करके काट लिया, अभी पनीर ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इधर जो मिक्सर में मैंने मसाला पीसा था वो धो के थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, पानी ज्यादा चाहिए नहीं, आप चाहो तो ऐसे सूखा रख सकते हो, और नहीं चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि पनीर अभी जस्ट डाला तो मसाला पनीर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। हो गया, गैस को मैंने हाई करा दिया, अभी इसको 2 मिनट स्लो गैस पे होने देंगे, ढक के अच्छे से 2 मिनट के लिए होने देते हैं। सब्जी एकदम रेडी है, अभी इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा 1 पिंच जितना गरम मसाला, और इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बिना कांदा लहसुन वाला पनीर की सब्जी एकदम रेडी, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ग्रेवी भी देखिए, बिना कांदा लहसुन लगेगा नहीं, ग्रेवी भी कितना अच्छा एकदम बराबर है। अभी गैस को कर देंगे ऑफ, और मैंने इसके लिए राइस तो मैंने चढ़ा दिया पहले दिखाया, अभी आटा भी मैंने रेडी कर लिया, आटा भी मैंने गूंथ लिया, अब इसका रोटी बना लेंगे। एकदम रेडी है, अब इसको निकाल लेते हैं, तब तक मैं रोटी बना लूंगी। भाई सीधा रोटी भी सब्जी भी हो गया, अभी रोटी भी बना रही हूँ मैं, रोटी भी हो गया रेडी। जब तक रोटी मेरा रेडी होता है, रोटी रेडी करके राइस भी हो गया, अभी मैं प्लेट रेडी कर लूंगी। सब कुछ रेडी है, प्लेट रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए प्लेट मैंने आज इस तरह का बनाया, पूरा भेज है, इसमें ना कांदा है ना लहसुन है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले रोटी है, राइस है, पनीर की सब्जी है, अचार है, सलाद है, पापड़ है, मैंगो है। इधर मीठे में मैंने मीठा कुछ बनाने वाली थी पर नहीं बनाया, बहुत लेट हो गया था। तो इधर लड्डू है, इधर दाल है, और उधर वो सफ़ेद बटाना और काला चने और आलू का सब्जी है। तो प्लेट एकदम से रेडी है। तो आप लोगों को मेरा ये सिंपल सा प्लेट बिना कांदा लहसुन का, जैसा कि आज सोमवार है तो आप लोगों को ये भेज थाली, तो आप लोगों को ये भेज थाली कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अच्छा लगे तो
पूरे सौ जो लड़का के भागा भागा ये तो गाइस आज मैंने जो भेज थाली बनाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 आप लोगों को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। बाय।